कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में आज बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के नेतृत्व में इलेक्शन कमेटी और कैंपेनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक को लेकर बताया गया कि बैठक के माध्यम से पार्टी अपनी चुनावी तैयारी की समीक्षा करेगी। प्रखंड स्तर पर नेताओं की समीक्षा होगी और क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए जानकारी दी जाएगी। लोगों को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश होगी ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत हो। एनडीए में बड़ी पार्टी भाजपा है और उसका इतिहास रहा है कि अपने साथी को ज़रूरत होती है तो साथी के पांव पड़ते हैं और ज़रूरत ख़त्म करने पे भाजपा साथियों का पांव नहीं गला काटती है। महबूबा मुफ्ती जी से लेके शिवसेना तक इतिहास है और हमारे वहाँ सवाल तो पूछ लिया आपने, हमारे वहाँ काफ़ी दल है, उसमें अगर कोई छोटी मोटी बात होगी तो ये सोच की लड़ाई है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, उसको देखते हुए एडजस्टमेंट सब करेंगे और साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे। करीब करीब 1-to-1 तो यहाँ लोगों से लगता है 4 घंटा कल मिल चुके हैं। लोगों की क्या मंशा है, लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से होना चाहिए, आम लोग, नेता तो अपना सुझाव देंगे ही, आम लोग जो इस बैठक में नहीं रहेंगे उन सबों से मिल के अपना माइंड बना रहे हैं क्या करना है।